नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में मामूली वाद विवाद को लेकर साफ सफाई कूड़े के ढेर को हटाने को लेकर दो पक्षों में आपस में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पीड़ित के अनुसार दोनों पक्षों में चार लोग ज्यादा घायल हैं, जो ट्रामा सेंटर रेफर किए गए हैं। लाठी डंडों से धारदार हथियारों से लोगों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची नगराम पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई कर मेडिकल कराकर रेफर किया। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से नाली के विवाद को लेकर साफ सफाई को लेकर नगराम थाने के हरदोइया चौकी प्रभारी के पास मामला गया था, लेकिन मामला लापरवाही करके टाल दिया गया। आज इस बात को लेकर फिर दो पक्षों ने खूनी संघर्ष कर दिया, तो वहीं पुलिस की लापरवाही के कारण दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। अगर समय पर इस मामले का निस्तारण कर दिया गया होता तो आज ये दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष नहीं होता। नगराम पुलिस की लापरवाही रवैया देखने को मिला है, जिसमें कि चार लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें सिविल अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं नगराम थाने में देखा जाए तो पुलिस का रवैया दिन बिगड़ता चला आ रहा है। कुछ पुलिस वाले तो केवल धन उगाही में जुटे रहते हैं। क्या नाम है? हेमराज। कैसे क्या करना है सर? हम तो सो रहे थे सर, तो हमारे बड़े भाई झाड़ू मार रहे थे सर, तो उसमें गंदगी पड़ी थी सर, रोज द्वारे साफ होता है सर, तो अचानक मतलब वो लोग गाली का यूज करने लगे, पता थोड़ी सी पन्नी चली गई होगी नाली में, तो सर रोज गाली का यूज करते थे, पासी सूद यही सर रोज कहते थे। आज हमारे भाई मतलब वो झाड़ू मारे, तो झाड़ू मारने के बाद वो डंडा वंडा परसा चाकू सर सब निकाल के इस्तेमाल करने लगे इनके ऊपर। हम कितने लोग चोट लगी जी सर? हमारी तरफ चोट ही कितने लगी? हमारे सर चोट लगी पांच लोगों की सर। सबसे ज़्यादा चोट लगी पिताजी के, मम्मी का हमारे, और फिर हमारे बड़े भाई को, फिर हमारे सर ये हमारे उकाए हाथ, आप सब हमारा भी उतर गया, पिताजी का हाथ उतर गया सर, खुपड़ी फट गई हिम्मत। और हमारे भाभी हैं जो भाभा